लॉकडाउन 3.0 में खुली शराब की दुकानें पहले ही दिन उमड़ी खरीदारों की भीड़। लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत आज 4 मई सोमवार से शुरू हो गई है। इसी के साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने अजमेर शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को छोड़कर अन्य शहरी इलाकों में और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों के साथ अति आवश्यक कार्यों की छूट दी है। वहीं शराब की दुकानों को अनुमति दी जाने के बाद शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। वहीं शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को छोड़कर जहां भी शराब की दुकानें हैं वहां पर करीब 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन की कतारें देखने को मिली। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंस से सभी को खड़ा करवाया। वहीं उत्तर उप अधीक्षक डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि सरकार के आदेशों पर कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को छोड़कर सभी जगह शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति दी गई है। जहां आज सुबह से ही सभी जगह लंबी लाइन लगी हुई है, वहीं इन सभी को सोशल डिस्टेंस से ही करवा रखा है शराब खरीदने दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वह पैदल भी निकल रहे हैं, अगर कोई भी बिना परमिशन गाड़ियों को लेकर निकलता है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। क्या आदेश आते हैं और किस तरह की व्यवस्था है आज शराब जी? ये आदेश पारित हुआ था कि नगर निगम के जो क्षेत्र है जो कर्फ्यूग्रस्त नहीं है उनके अंदर लिकर की शॉप्स को एडिशनल जो सेकेंड लॉकडाउन था उसके बियॉन्ड परमिशन दी गई थी, और नगर निगम एरिया के बाहर जो है वो बाकी गतिविधियों के लिए भी परमिशन दी गई है। ये जो एरिया जहाँ पर अपन खड़े हैं वो नगर निगम एरिया में आता, तो यहाँ पर लकड़ की शॉप्स के लिए परमिशन दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और वो जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करा जा रहा है। जो बेसिक दिक्कत, क्योंकि आप लोगों के थ्रू मैं बोल सकती हूँ पब्लिक से, जो बेसिक दिक्कत हम फेस कर रहे हैं वो व्हीकल के लिए कर रहे हैं। लोगों में मिथ है कि 7 से 7 तक वो गाड़ियाँ लेके निकल सकते हैं। मैं ये क्लैरिटी देना चाहूँगी कि 7 से 7 के बीच में कोई भी नई गाड़ी परमिटेड नहीं है, सिर्फ आपातकालीन स्थिति के अंदर गाड़ियाँ निकाली जा सकती हैं। उसके अलावा अगर कोई भी गाड़ी निकलेगी तो उसको जब्त किया जाएगा। कर्फ्यू क्षेत्र में शराब की ठेके नहीं, कर्फ्यू क्षेत्र में कोई शराब का ठेका नहीं। कर्फ्यू क्षेत्र के अलावा बिल्कुल कंटेनमेंट जोन के अलावा और कर्फ्यूग्रस्त एरिया के अलावा जो है नगर निगम की सीमाओं के अंदर और बाकी जो है उसके बियॉन्ड खरीदने आ रहे हैं उनके लिए कोई किस तरीके की जानकारी? वो तो उनका आत्मसंयम के ऊपर है, वो तो उनके आत्मसंयम के ऊपर है। आते इंसान खुद बनाता है। हम लोगों का तहबा था अगर ये पब्लिक में पिएंगे तो भी हम इन पर कार्रवाई करेंगे। व्हीकल्स इनको बिल्कुल परमिटेड नहीं होंगे, बैठ के ये यहाँ पर नहीं पी पाएंगे, तो वो जो कानून की चीज़ है वो ये है, ये इनकी मर्जी के ऊपर। चालान काटे जाएंगे? बिल्कुल काटे जाएंगे। बिना मास्क के जो रहेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उसको बुक भी किया जाएगा, और अगर जुर्माना वाला अध्यादेश आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उनके जुर्माने भी किए जाएंगे। लोगों को जो ये गलतफहमी हो गई है कि व्हीकल्स अलाउ कर दिए हैं, इसके संबंध में जो भी ये शराब या जो भी सामान लेने के लिए जो व्हीकल्स लेके आ रहे हैं उनको हम जब्ती की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और लोगों को संदेश कर रहे हैं कि व्हीकल्स आपात स्थिति की स्थिति में ही अलाउ है, बाकी व्यक्तिगत कामों के लिए अलाउ नहीं है। अन्य कोई क्षेत्र के अंदर दुकानों को भी खुलने का कुछ निर्णय कुछ हुआ है क्या सर? निगम क्षेत्र के बाहर मोबाइल शॉप और जो स्टेशनरी की शॉप है या इलेक्ट्रिकल की शॉप है वो सब चीज़ें निगम क्षेत्र के बाहर अलाउ किया गया है। ये क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में शराब के ठेके खुले हैं तो शराब के आदि लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए हमने ठेके खुलाने से पूर्व में ही बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए हमने गोले बनाए थे और यहाँ पे हर ठेके के सामने पुलिस जाप्ते की व्यवस्था करके और इनको उचित दूरी बना के बराबर बिक्री कराई जा रही है। ये स्टॉक रोज आएगा आपके पास में? नहीं है, ये जितना स्टॉक है उतना ही नहीं सर। मैडम रोज आएगा स्टॉक रोज आएगा। दुकान खुलने का टाइम क्या है आपका? सर दुकान खुलने का टाइम है 10 बजे से शाम को 6 बजे से। ठीक है भैया, कौन सी जगह और आपका नाम? सर मेरा नाम राजेश कुमार मेघुंशी है, ये आना सगर चौपाटी अजमेर।